सो आज हम लोग रैंकिंग करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस की, जो कि मैं काफी टाइम से यूज भी कर रहा हूँ। हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज अर्शद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज हम लोग रैंकिंग करेंगे टॉप 10 स्मार्ट वॉचेस की, जो कि अंडर 5000 है, और इस कैटेगरी में आपको एमोलेड डिस्प्ले साथ ही साथ ऑलवेज ऑन भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा इनबिल्ट जीपीएस भी है कई वॉचेज में, साथ ही साथ आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है इनमें से कई सारी वॉचेज में। जो ये मैंने 10 वॉचेज चूज करी है, एक तो इनकी मैंने मोस्टली सबकी भी रिव्यू कर रखी है, अगर आपको फुल रिव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा यार बाकी जो मैंने चीजें रखी है ज्यादा ध्यान में, वो रखी एक तो एक्यूरेसी रखी है, दूसरी वैल्यू फॉर मनी। इन दो चीजों के बेसिस पे ही मैं रैंकिंग कर रहा हूँ इन वॉचेस की। और बिल्ड क्वालिटी भी ऑब्वियस है यार, बिल्ड क्वालिटी तो ध्यान में रखूंगा ही। तो अभी हम फटाफट नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे जो वॉच है वो है नॉइस कलर फिट प्रो असिस्ट। इसके अंदर आपको बिल्ट इन एलेक्सा देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करूं तो 1.55 इंच की डिस्प्ले है इसकी, साथ ही साथ इसमें आपको SPO2 हार्ट रेट भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसमें बेसिक फीचर्स भी मिल जाते हैं, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, और साथ ही साथ वेदर का सपोर्ट भी मिल जाता है। IP68 रेटिंग के साथ आती है ये वॉच। स्पोर्ट्स मोड इसमें आपको 14 दिए गए हैं, तो काफी सही वॉच है ये। बिल्ट इन एलेक्सा के बाद ये और भी बेहतर वॉच हो गई है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 10 पे रखा है। अभी नंबर 9 पे जो वॉच है यार, वो काफी लोग प्रेफर भी करेंगे, काफी लोग नहीं करेंगे। जिनको ब्लूटूथ कॉलिंग चाहिए उनके लिए काफी अच्छी वॉच है और काफी स्टाइलिश और काफी बढ़िया डिजाइन है, जो कि पेबल कॉस्मोस। मैंने इसको काफी टाइम यूज भी किया है और रिव्यू भी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वॉच में आपको 1.7 इंच की अच्छी खासी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इंडोर आउटडोर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिलती है, साथ ही साथ बीपी मॉनिटर, हार्ट रेट, SPO2, बॉडी टेम्परेचर जैसे तगड़े फीचर्स भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ बेसिक फीचर्स की बात करूं तो आपको म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट भी मिल जाता है। वाटर रेजिस्टेंट की बात करूं तो IP67 के साथ आती है ये वॉच, और 8 स्पोर्ट्स मोड इस वॉच में आपको प्रोवाइड की गई है। जो 8 नंबर पे वॉच है, काफी धांसू वॉच है यार, मैंने रिसेंट में ही उसकी रिव्यू करी है और काफी अच्छी वॉच है। यह है फायरबोल्ट सुप्रीम 1.79 इंच की सबसे बड़ी डिस्प्ले। अब तक इतनी बड़ी डिस्प्ले किसी भी वॉच में नहीं आई है। जो डिस्प्ले है इसकी LTPS है, जो कि आपको काफी नेचुरल पिक्सल्स देते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको बीपी मॉनिटर, हार्ट रेट और SPO2 देखने को मिल जाता है। वाटर रेजिस्टेंट की बात करूं तो 3 ATM के साथ आती है ये वॉच, काफी सही चीज लगी मुझे ये। इसके अलावा इसमें आपको 20 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जो कि फायरबोल्ट की वॉच में देखने को बहुत ही कम मिलता है। तो यार काफी बेहतरीन वॉच है, मैंने इसको काफी यूज भी करा, रिव्यू वीडियो भी है मेरी, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी बात करते हैं 7th नंबर वॉच की, जो है आपकी नॉइस कलर फिट अल्ट्रा। काफी बेहतरीन वॉच है, काफी जबरदस्त डिस्प्ले के साथ आई थी 1.75 इंच की। उसके अलावा इसमें आपको 60 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, साथ ही साथ इसमें हार्ट रेट, SPO2 भी मिल जाता है। इसके अलावा बात करूं वाटर रेजिस्टेंट की तो IP68 है इसके अंदर, और कुछ अलग फीचर्स की बात करूं तो क्विक रिप्लाई और स्क्रीन लॉक जैसे फीचर इसमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ बेसिक फीचर्स की बात करूं तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट भी मिल जाता है। एप्लीकेशन इसका अब काफी इंप्रूव हो चुका है नॉइस वालों का, पहले काफी ज्यादा गंदा और काफी लैगी था, लेकिन अब काफी सही है। तो आप इस वॉच को कंसीडर कर सकते हो, काफी बेहतरीन वॉच है, काफी ज्यादा सेल भी हुई है ये वॉच। 6 नंबर वॉच की बात करें तो ये फायरबोल्ट रिंग, बहुत ही ज्यादा इसका हाइप हुआ था इस वॉच का, और बिकी भी थी यार ये काफी ज्यादा, क्योंकि उस रेंज में इस टाइम ये पहली ऐसी वॉच थी जो काफी सारे फीचर्स आपको दे रही थी। तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाती है, IP67 का वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है, साथ ही साथ SPO2 हार्ट रेट भी मिल जाता है। इसके अंदर आपको म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल एंड वेदर का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ स्लीप मॉनिटरिंग भी आप इसमें इजिली कर सकते हो। बेसिक जितने भी फीचर्स होते हैं बाकी सब है इस वॉच के अंदर, और काफी सही वॉच है ये, एप्पल के क्लोन समझ लो आप इसको। अभी बात करते हैं यार 5th नंबर वॉच की, जो है आपकी इग्नाइट S3 प्रो। काफी बेहतरीन वॉच है, अभी रिसेंट में इसकी भी मैंने रिव्यू बनाई है, और इसके अंदर भी आपको काफी तगड़े फीचर मिल जाते हैं और काफी अच्छी डिस्प्ले के साथ आती है। 1.75 इंच की इसकी डिस्प्ले है, इसमें आप विजेट्स वगैरह सेट कर सकते हो, साथ ही साथ SPO2 हार्ट रेट, बीपी मॉनिटर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिलती है। इसके अलावा ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आती है वॉच। वाटर रेजिस्टेंट की बात करूं तो IP67 है, और 13 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। काफी बेहतरीन वॉच है ये, इसीलिए मैंने 5th नंबर पे रखा है, और आप इस वॉच को कंसीडर कर सकते हो। थोड़ा जो इसका डाउन साइड है वो इसकी बैटरी हो जाती है, इतनी तगड़ी बैटरी बैकअप आपको ये वॉच नहीं देती है, बाकी हर चीज में काफी बेहतरीन वॉच है।
अभी बात करते हैं यार फोर्थ नंबर वॉच की, जो कि काफी बेहतरीन वॉच है। रिसेंट में इसकी भी रिव्यू करी है मैंने, आप लोग देख सकते हो। ये जो वॉच है ये है आपकी फायरबोल्ट की तरफ से 360 प्रो। इसके अंदर आपको काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, 1.32 इंच की रेटिना डिस्प्ले, साथ ही साथ इसमें आपको हार्ट रेट, बीपी मॉनिटर, SPO2 और बॉडी टेम्परेचर जैसे तगड़े फीचर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आप TWS पेयरिंग भी कर सकते हो और 512 MB तक कई सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो लोकल म्यूजिक के थ्रू अपने लैपटॉप में इसको कनेक्ट करके। तो काफी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और प्राइस भी इसका ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3499 की ये वॉच है। कभी कभी 3999 में भी देखने को मिल जाती है, तो आप ऑफर का वेट करोगे तो 3499 में मिल जाएगी। काफी बेहतरीन वॉच है, अभी भी मैं यूज कर रहा हूँ इस वॉच को और कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे इसे यूज करने में। जो थर्ड नंबर पे वॉच है यार वो है आपकी, और काफी तगड़ी वॉच है, काफी ज्यादा बिकी भी है ये पूरे साल 2021 में। ये है आपकी Amazfit की तरफ से BPU Pro। इसके अंदर आपको 1.43 इंच की डिस्प्ले मिलती है, साथ ही साथ इसमें आपको हार्ट रेट और SPO2 भी मिल जाता है। बाकी इसके अंदर एक काफी अच्छा फीचर है जो कि इनबिल्ट GPS, साथ ही साथ 60 स्पोर्ट्स मोड के साथ ये वॉच आती है और 5 ATM इसका वाटर रेजिस्टेंट है। काफी बेहतरीन वॉच है, आप इस वॉच को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो आज भी। ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा पुरानी हो गई है, हाँ बस डिस्प्ले थोड़ी आज के मॉडर्न वॉचेस से थोड़ी कम है, लेकिन एक्यूरेसी के बेसिस पे आप लोगे तो काफी बेहतरीन वॉच है ये। तो सेकंड नंबर पे वॉच है यार वो बहुत बेहतरीन वॉच है, उसकी भी मैंने रिसेंट में रिव्यू करी है। ये आपकी फायरबोल्ट की तरफ से ही फायरबोल्ट बीस्ट प्रो। इसमें आपको 1.69 इंच की काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट, वॉइस रिकॉर्डर, SPO2, हार्ट रेट जैसे तगड़े फीचर्स भी मिल जाते हैं। बेसिक फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा आप इसमें TWS पेयरिंग कर सकते हो जैसा कि 360 प्रो में था, और गाने भी स्टोरेज कर सकते हो 512 MB तक। ये वॉच जो है आपको लगभग 3999 या 3499 में ऑफर में मिल जाती है। तो इस रेंज के हिसाब से इसके अंदर काफी फीचर्स है, इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा, और बिल्कुल नई वॉच भी है, काफी ज्यादा अंडररेटेड वॉच है एक तरीके से आप ये कह सकते हो। जो अभी नंबर वन पे वॉच है यार वो टाई है, मतलब दो वॉचेस आती हैं इस कैटेगरी में मेरे को जो लगती है, इसीलिए मैंने इन दोनों वॉचेस को ही नंबर वन रखा है। इसके बाद मैं एक बोनस बताऊंगा जो कि मेरी च्वाइस रहेगी, वो लास्ट में बताता हूँ मैं आप लोगों को। बट अभी हम बात करते हैं नंबर वन वॉच में से पहली वॉच की, जो कि है आपकी फायरबोल्ट मैक्स। इसके अंदर आपको 1.78 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें SPO2 हार्ट रेट भी मिल जाता है। स्पोर्ट्स मोड की बात करूं तो 11 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है वॉच, और वाटर रेजिस्टेंट की बात की जाए तो 3 ATM इसके अंदर है, जो कि काफी बढ़िया चीज है, फायरबोल्ट की वॉचेस में अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो काफी बेहतरीन वॉच है ये, इसकी भी रिव्यू वीडियो बनाई है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो नंबर वन पे दूसरी वॉच है वो है आपकी रियलमी प्रो। इसमें बहुत भर के फीचर्स दिए हैं, बस इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं है और ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये नंबर वन पे अपनी एक्यूरेसी की वजह से। इसमें आपको इनबिल्ट GPS मिल जाता है, 60 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, SPO2 हार्ट रेट मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करूं तो 1.75 इंच की काफी तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, आउटडोर इनडोर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है इसमें आपको, बेसिक फीचर्स भी मिल जाते हैं चाहे वो कैमरा कंट्रोल हो, म्यूजिक कंट्रोल हो या फिर वेदर का सपोर्ट हो। काफी बेहतरीन वॉच है ये, इसी वजह से ये भी नंबर वन पे है, तो ये मेरे हिसाब से टाई है। बाकी आप इन दोनों में से कोई सी वॉच चूज कर सकते हो, मेरी चॉइस है। मैं अगर लेना चाहूँ, देखो अगर आप 5000 तक जा रहे हो तो उसमें कुछ पैसे आप ऐड करके बहुत बेहतरीन वॉच ले सकते हो। एक 5000 में आपको 600-700 रुपये और ऐड करने हैं, और ऑफर में आपको फायरबोल्ट इनविंसिबल जो है मिल जाती है 5700-5600 रुपये में इजिली। हाल ही में उसका मैंने रिव्यू किया, बहुत ही भर के फीचर्स हैं भाई उस वॉच के अंदर। इस प्राइस रेंज में कोई भी वॉच उसके आसपास नहीं है, तो आप उस वॉच को कंसीडर कर सकते हो। फायरबोल्ट इनविंसिबल में आपको 1.39 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें TWS पेयरिंग का सपोर्ट है। इसके अलावा आप 8 GB तक स्टोर कर सकते हो अपने गाने, मतलब भर के 1500 से 2000 गाने आप डाल सकते हो। इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिल जाती है, साथ ही साथ SPO2 हार्ट रेट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। बेसिक फीचर्स की बात करूं तो कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं बात करूं वाटर रेजिस्टेंट की तो IP67 के साथ आती है वॉच, और बात करूं स्पोर्ट्स मोड की तो 100 स्पोर्ट्स मोड है, और वॉच फेसेस इसमें इनबिल्ट है, आपको ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, 100+ वॉच फेसेस इनबिल्ट देखने को मिल जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के जो वॉच फेसेस है वो भी 7-8 देखने को मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही लगा के बोर हो जाओगे, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो काफी बेहतरीन वॉच है, अपने प्राइस को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई करती है। बस यही थी आज की वीडियो, करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना यार। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।